हाय, मैं सरजय सिंह। कल एक फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जॉली एलबी 2। फिल्म 2013 की फिल्म की रीमेक है। इसका फर्स्ट पार्ट का नाम था जॉली एलबी। फिल्म का निर्देशन किया था सुभाष जी ने। फिल्म में अरशद वारसी और अमृता राव थे। फिल्म इतनी बेहतर थी कि फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिल गया। कल इसको 3600 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म रईस को 2500 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। उसके बावजूद इसकी कमाई क्या है, फिल्म कैसी है, फिल्म का निर्देशन कैसा है और फिल्म में एक्टिंग कैसी हुई है, इस बात की जानकारी हम अपने फिल्म पत्रकार पंकज जी से लेते हैं, जो आपको बताएंगे फिल्म के बारे में सभी कमियां, अच्छाइयां और फिल्म के अंदर क्या क्या ऐसा है जो न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा रहा है। देश में न्यायपालिका की क्या हालात हैं और कैसा चल रहा है देश में, वकील क्या सोचते हैं और कैसी सोच लेके चलते हैं, सब चीज़ें फिल्म में दिखाई गई हैं। लेकिन क्या फिल्म उस फिल्म से बेहतर हो पाई है या फिर वैसे ही रह गई है या फिर उससे भी नीचे आ गई है, हम जानते हैं अपने फिल्म पत्रकार पंकज जी से। हाँ, तो पंकज जी, फिल्म अगर पहले बात करें तो फिल्म किस प्लॉट पर चलती है? देखिए, फिल्म तो पूरी तरह से न्यायपालिका पे है, करप्शन पे है। और देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं और वो उसकी दूसरी पार्ट, उससे पहले एक पार्ट बन चुकी हो, तो दो तरह के दर्शक होते हैं। एक वो होते हैं जो पहली बार फिल्म देख रहे हैं उस फिल्म को, और एक दूसरे वो होते हैं जो पहली फिल्म देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों का ओपिनियन अलग अलग होगा। अगर आप ने जॉली एलबी अरशद वारसी वाली नहीं देखी है, अमृता राव वाली नहीं देखी है, तो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी और आप इन्जॉय करके आएंगे। लेकिन अगर आपने पुरानी फिल्म जो 2013 में रिलीज हुई थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, अगर उसको आपने देखा है और फिर आप इसको देखने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी निराशा होगी। प्लॉट एक ही है, उसमें भी न्यायपालिका करप्शन चीज़ें थी, इसमें भी सेम है, लेकिन फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। कुछ अच्छे संवाद हैं जिससे लोग हंसते हैं, गुदगुदाते हैं। अक्षय कुमार ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन बावजूद इसके आपको लगेगा कि फिल्म में बहुत सारी कमी है। अच्छा, हम एक्टिंग पे बाद में आएंगे। हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि सुभाष जी का जो निर्देशन है, इस बार भी क्या उतना ही कसा हुआ था जैसा पहली फिल्म में था जॉली एलबी में? मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि पहली फिल्म काफ़ी नेचुरल लगी थी, इसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ बनावटी लगेंगी, लगेगा कि नहीं ये जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो निर्देशन की कमी तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में है। अच्छा, इसके अलावा फिल्म में जो प्रोडक्शन है कैसा है, क्या वो जो कुछ भी दिखाया गया है वो सेट ही लगता है या फिर कुछ वास्तविकता के नज़दीक है? क्योंकि जॉली एलबी जो देखी गई थी उसमें जो कोर्ट रूम ड्रामा था वो ओरिजिनल लग रहा था कहीं ना कहीं। एक्चुअली मैं आप उससे कंपेयर करेंगे तो फिल्म हर मामले में वीक है दरअसल, ठीक है। आप इसमें काफ़ी कुछ बनावट लगता है। मैंने कल रात लेट नाइट शो देखा, मुझे तो अब वो कोर्ट के अंदर धरने में बैठते हैं और जैसे कानपुर और लखनऊ को दिखाया गया है, और वकील जो है वो अक्षय कुमार कानपुर की पृष्ठभूमि है, कानपुर से है और लखनऊ के कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आपको उसमें लखनऊ और कानपुर की असली भाषा, आपकी भाषा जो है समझ में नहीं आएगी कि कानपुरिया भाषा है कि लखनऊ की अवधी भाषा है, तो भाषा की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं उन्होंने लैंग्वेज छोड़ दिया है, कानपुर को रिप्रेजेंट करें लेकिन कानपुर की भाषा जो है नहीं, और तो लगता है कि बनावटी है, मतलब वो रियल आ नहीं पाया। अच्छा, एक्टिंग की बात करें अगर, तो अक्षय कुमार ने क्या अरशद वारसी वाला ही तरीका अपनाया है या फिर उन्होंने बेहतर किया है या फिर वो सब चीज़ें की हैं जो वो अपनी कॉमिक फिल्मों में किया करते हैं? एक्चुअली उन्होंने कुछ अलग किया है, मतलब जो अरशद वारसी जो है पश्चिमी यूपी का एक युवक होता है, ये कानपुर के हैं, तो एक कानपुर का एक ब्राह्मण जैसे सोचता है उस तरह से उन्होंने जो है काफ़ी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लैंग्वेज में वो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पीछे हैं। हुमा कुरैशी के पास करने के लिए बहुत कुछ था नहीं, उनका बहुत छोटा सा रोल था, और हालांकि उन कई जगह वो दिखी हैं स्क्रीन पे, लेकिन कुछ खास करने के लिए नहीं था। एक्टिंग में अगर दूसरे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो वो सौरभ शुक्ला ने प्रभावित किया है, मतलब आप पूरी फिल्म में अगर आपसे कहा जाए कि आप किसको देख के ज़्यादा हंसेंगे, तो मुझे लगता है कि सौरभ शुक्ला बहुत आगे हैं और बहुत शानदार काम किया उन्होंने। फिल्म में एक्टिंग के एक और पुरोता है, नाम है अनु कपूर, वो शायद वकील का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनका क्या कहते हैं? दरअसल अनु कपूर ने अच्छा काम किया है, नो डाउट, लेकिन उनकी तुलना बोमन ईरानी से होगी दरअसल, क्योंकि बोमन ईरानी वहाँ थे, तो अनु कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बोमन ईरानी फिर भी मुझे लगता है कि बतौर एक्टिंग के मामले में दोनों फिल्मों में अगर आप कंपेयर करें तो उन्हें ज़्यादा बेहतर किया था। हालांकि इस फिल्म में अनु कपूर के पास बहुत सारे कॉमिक डायलॉग्स हैं जिसकी वजह से वो बेहतर छाप छोड़ते हैं, और एक्टिंग में ओवरऑल अच्छा किया है, सबने अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्देशन में थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, कहानी उतनी बधी हुई नहीं है जिससे लोग पूरी तरह से जुड़े रहे। हाँ, ये है कि फिल्म में कॉमिक सीन है, लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कैसा है फिल्म का और गाने कैसे हैं, क्योंकि होली आने वाली है और एक होली का भी गाना ऐसा लगता है जैसे ठूसा गया हो। हाँ, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल
एक सीन है शुरुआत में ही, अक्षय कुमार को अपना चैम्बर मिलता है और उस खुशी में अचानक से होली पे गाना हो जाता है। तो पहले तो समझ में नहीं आता है कि मतलब बिना बात के, एक तो बिना बात के आपने गाना डाला, चलिए वो भी ठीक है, हिंदी फिल्मों में ऐसा होता है, लेकिन होली का गाना आ गया और तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है। अच्छा, और उसके बाद हम बात करेंगे फिल्म का जो भी प्लॉट है, उन्होंने दिखाया है कि एक कानपुर का युवक होता है जो कोर्ट में ये कर रहा है, वकीलों के अगेंस्ट चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं क्या सोशल मैसेज देती हुई नजर आती है? हाँ। क्योंकि न्यायपालिका के खिलाफ इंडिया में बोलना कहीं ना कहीं आज भी ऐसा लगता है जैसे कि आप हिटलर के खिलाफ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल यही वजह थी कि फिल्म से चार सीन जो अभी हाईकोर्ट ने कहा फिर उनको हटाने पड़े थे, पूरी फिल्म न्यायपालिका और जो पुलिस प्रशासन है सिस्टम के करप्शन में बेस्ड है। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो लास्ट में फिल्म मैसेज देती है कि देश भर में करोड़ों केसेस पेंडिंग है, कुछ हजार जजेस हैं, एक जज पे लाखों केस उनको देखने हैं, तो बहुत अच्छा मुद्दा तो बहुत अच्छा उन्होंने उठाया है कि देश भर में आखिर हम सब कह देते हैं कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे क्योंकि आपको ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं आप कोर्ट में विश्वास करते हैं, लेकिन उस जज के सामने आप सोचिए कि एक जज को 100,000 केस देखने हैं, कैसे देख पाएगा, तो वो प्लॉट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हम फिल्म की कमाई की बात करें तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि फिल्म कितना कमाई करेगी? क्योंकि अभी फिलहाल 2 हफ्ते पहले की फिल्म रिलीज हुई थी शाहरुख खान की रईस, फिल्म मात्र 25 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, फिल्म कुछ खास भी नहीं थी, कुछ ज़्यादा उसे नॉर्मल दर्जे का ही माना गया था, उसके बावजूद उसने अच्छी कमाई करी थी और ये फिल्म उससे 1100 स्क्रीन ज़्यादा में रिलीज हो रही है, तो क्या लगता है कि ये फिल्म क्या उसके बराबर या उससे कम कमाई के मामले में या उससे बेहतर हो जाएगी? दरअसल ये बहुत डिपेंड करता है कि जो अभिनेता है उसकी पिछली फिल्में कैसी रही है, उसकी वो फिल्म, जैसे मैं कल पहला शो देख के आया तो मुझे जो नज़र आया वो भीड़ उतनी थी लगभग जितनी रईस में थी, ठीक है, शायद मैं लेट नाइट शो देख रहा था, रात 11 बजे का शो था, कानपुर जैसा शहर है और रात बहुत देर तक लोग शो नहीं देखते, लेकिन बहुत भीड़ थी। मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों में फिल्म बहुत अच्छा कारोबार करेगी और मुझे लगता है कि 100 करोड़ के आसपास हो सकता है, वीकेंड का फायदा भी, आज सैटरडे है और कल संडे है, तो हो सकता है फिल्म 100 करोड़ तक तो चली जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत के 3-4 दिनों के बाद फिल्म में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जब आपकी होती है, जब आप एक दूसरे से बताते हैं तो वो बाद दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते के लास्ट के बाद पता चलता है, तो मुझे लगता है फिल्म 100 करोड़ तक तो पहुँच जाएगी, लेकिन ये कहना है कि अब रईस से ज़्यादा कमाएगी ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए, अक्षय की बात करें तो उनकी फिल्में तो हर साल सुपरहिट आती रहती हैं, पिछले साल 3 फिल्में आई और तीनों ने 100 करोड़ रुपए कमाए, तो क्या लगता है कि इस फिल्म से, लेकिन उनको आज तक नेशनल अवार्ड या फिर कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिला, ना उनको फिल्म का कोई अवार्ड मिलता, क्या लगता है ये फिल्म को कोई अवार्ड दिला पाएगी या क्या इस फिल्म को कोई अवार्ड मिलेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी कमज़ोर है कई सारे मामलों में। अच्छा, अगर हम स्टार्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टार्स दिए हैं, तो हाँ, मैंने कुछ लोगों के रिव्यू पढ़े, जैसे एबीपी न्यूज़ की पवन रेखा ने इसको 2.5 स्टार दिए हैं, शुभ्रा गुप्ता ने 3 दिया है, रोहित बक्स ने 3.5 दिया है, तो ऐसे अलग अलग लोगों ने, परमात्मा जी ने भी 4 स्टार दिए, जागरण ने 4 दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टार्स दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म 2.5 और 3 के बीच में है, तो 2.5 या 3 स्टार बस, हाँ मुझे लगता है इससे ज़्यादा डिजर्व नहीं करते। तो दोस्तों, ये जॉली एलबी 2 का रिव्यू था जो पत्रकार पंकज जी ने अपने शब्दों में बताया। अब आप जाइए, फिल्म देखिए, समझिए और देखिए कि हमारा रिव्यू कहाँ तक बेहतर है, और अगर आपको कुछ भी सुझाव या फिर सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू।